फ्रेंड्स, नानी कर के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन बर्गर। ये बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ऑलिव ऑयल, इसमें फ्रेंड्स ऑलिव ऑयल ही यूज करना है, एंड आई शिल टेल एज आई गो अलोंग। 250 ग्राम्स चिकन मिंस, 1 स्लाइस ब्रेड विद साइड्स मिक्सी में ग्राइंड करके, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून चाइव्स चॉप्ड, 1/2 टीस्पून डिजॉन मस्टर्ड, 3 बर्गर बंस, सम मेयोनीज, सम आइसबर्ग लीव्स एंड दे आर रफली चॉप्ड फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून मेयो एंड 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 3 स्लाइसेस चीज, 3 चीज स्लाइसेस एंड अ फ्यू स्लाइसेस राउंडल्स ऑफ अनियंस एंड अ फ्यू राउंडल स्लाइसेस ऑफ टोमेटोज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन मिंस लेते हैं और इसमें हम ये जो मिक्सी में हमने ग्राइंड की थी एक स्लाइस ब्रेड की वो डालते हैं, और सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर एंड अनियन पाउडर। चाइव्स, मस्टर्ड, डिजॉन मस्टर्ड फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग डिजॉन मस्टर्ड एंड द लेमन जूस एंड वी विल मिक्स इट अप वेरी वेल। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इनको 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब हम थोड़े से ऑयल के साथ अपने हैंड्स को ग्रीस कर लेंगे और इनको बड़ा अच्छी तरह स्मूथली इनके हम राउंड बॉल्स बनाएंगे और यहाँ पे रखी जाएंगे। ये मैंने बर्गर मोल्डर लिया है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने, दिस इज अ ग्रीस प्रूफ पेपर, आई पुट दिस ऑन टॉप एंड आई ड्रू अ लाइन विद दिस अलोंग द इनर रिम एंड देन आई कट इट आउट एंड दिस इज व्हाट आई गॉट एंड दिस आई पुट इट हियर एंड देन आई विल, देयर इज लिटिल ऑयल इन दिस एंड आई विल ग्रीस दिस। And I'll put this back into it and we'll put a chicken patty into this and we'll press it. और अब हम इसको निकाल के देखते हैं। There we get a proper chicken burger. Here we are. And we'll make the next one the same way. ऐसे ही सारे बना लेंगे हम। अब फ्रेंड्स, इस साइड पे भी हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इसको प्रेस करेंगे। और इसको भी हम निकाल लेंगे। एंड सिमिलरली वील मेक द थर्ड वन।
अब हमने तीनों बना लिए हैं फ्रेंड्स, इसको हम अब फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट्स के लिए। अब 15 मिनट्स हो गए फ्रेंड्स और पैटीज को हम फ्रिज में से निकाल लेते हैं। अब हम इनको गरम तवे के ऊपर रख देंगे। हमने तवे को फ्रेंड्स ऐसे शेक करेंगे ताकि इसका ऑयल नीचे से इसको कुक करे, एंड द ऑयल मस्ट रन अंडरनीथ द पैटीज, ऑल पैटीज। एंड प्लीज नोटिस, जब ये साइड से वाइट होना शुरू हो जाता है तो देन दैट इज द टाइम दैट वी टर्न इट। एंड नाउ वी लेट इट कुक। और फ्रेंड्स इसको बार बार नहीं, इसको टर्न एंड टर्न अगेन ऐसे नहीं करना है, लेट इट कुक जेंटली बाय इटसेल्फ। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना फ्रेंड्स, ये तो मॉइस्चर निकल जाएगी, और इसको हम टर्न कर देते हैं। इट्स ऑल डन एंड नाउ वील टेक इट आउट इन अ प्लेट। अब हम इन बंस को हाफ में कट करेंगे। और इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। गैस को मीडियम कर देंगे। और इनर साइड्स को हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, इनर साइड्स ऑफ द बंस। अब देख लेते हैं हो गए। हाँ जी फ्रेंड्स, वेरी नाइसली डन। और इनको हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही थोड़ी सी और ऑयल डाल के थर्ड बन को भी ऐसे ही हम रोस्ट कर लेते हैं। अब इनको भी देखते हैं, दे आर डन। और गैस बंद कर देते हैं। अब हम 1 teaspoon मेयोनीज आइसबर्ग लेटस में यूज करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम मेयो और टोमेटो सॉस को मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर हम चीज सिंगल लगाएंगे और इसके ऊपर टोमेटो लगाएंगे और थोड़ा सा अनियन लगाएंगे और इसके ऊपर इसकी अदर साइड ऑफ द बन लगा के थोड़ा प्रेस कर देंगे। और इसको सिक्योर करने के लिए हम टूथपिक्स लगाएंगे। और बाकी के भी हम ऐसे ही बना लेंगे। लीजिए चिकन बर्गर तैयार है। अब इसको हम कट करके देखते हैं। सी फ्रॉम इनसाइड लीजिए चिकन बर्गर तैयार है। अब आप इसको बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और स्पेशली बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए।